से कांग्रेस में सामने आई है अंतर्कलह। अचानक नामांकन भरने पहुंचे हैं कन्हैया अग्रवाल, निर्दलीय नामांकन भरने पहुंचे हैं कन्हैया अग्रवाल। अग्रवाल ने अंतिम समय में फैसला बदला है, बड़े नेताओं के समझाने पर माने हैं कन्हैया अग्रवाल। तो अंतर्कलह एक बार फिर से निकल करके सामने आ रही है कांग्रेस के अंदर से। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का हम जिक्र कर रहे हैं, यहां से कांग्रेस में अंतर्कलह सामने आई है। अचानक से नामांकन भरने के लिए कन्हैया अग्रवाल पहुंच गए, निर्दलीय नामांकन भरने के लिए पहुंचे थे कन्हैया अग्रवाल ने। अंतिम समय में फैसला बदला, बड़े नेताओं के समझाने पर कन्हैया अग्रवाल माने हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कन्हैया अग्रवाल, जो कि नामांकन भरने के लिए पहुंचे थे निर्दलीय, यहां से चुनाव लड़ना चाहते थे, पर पार्टी के लोग समझाने पहुंचे और उसके बाद जाकर के वो समझे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी ममता लांजीवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, एक बार फिर से कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह सामने आई है, अचानक से कन्हैया अग्रवाल नामांकन भरने के लिए पहुंचे हैं, क्या ज्यादा जानकारी मिल पा रही है, ऐसी क्या नाराजगी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तीन प्रमुख दावेदार थे, प्रमोद दुबे, कन्हैया अग्रवाल और आकाश शर्मा। आकाश शर्मा को टिकट मिली, कन्हैया अग्रवाल, प्रमोद दुबे ने पहले नामांकन फॉर्म लिया था, लेकिन आज फिर से कन्हैया अग्रवाल नामांकन फॉर्म जमा करने के लिए पहुंचे थे। ऐसे समय में जब कल आकाश शर्मा ने नामांकन दाखिल किया, उस समय वो मंच पर भी मौजूद थे और ये तमाम जो नेता है वो शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे और इस बात का दावा कर रहे थे कि कांग्रेस के भीतर कोई भीतराघात वाली बात नहीं है, गुटबाजी नहीं है, सब एक साथ है और दावेदार भी साथ में है। और कन्हैया अग्रवाल का नाम लेकर बाकायदा नेता प्रतिपक्ष ने पुकारा भी था, कहा था हाईकमान ने जिसको टिकट दी वही जो है और उसके साथ सब लोग हैं। और ऐसे में कन्हैया अग्रवाल फिर से आज नामांकन दाखिल भरने के बाद में दाखिल करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इसकी जानकारी जैसे पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज और भूपेश बघेल को पहुंची है, उसके बाद में उन्होंने फोन पर उनसे बात की और एन वक्त में थोड़ी देर पहले ही उन्होंने जो नामांकन फॉर्म है वो दाखिल नहीं किया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो कल नामांकन रैली में शामिल थे, नामांकन दाखिल आपका प्रत्याशी कर लेता है, पार्टी का ऑफिशियल प्रत्याशी, उसके बाद इस तरह से आप नामांकन जमा करने के लिए जाते हैं, तो ये तो जरूर है कि आपके मन में कहीं ना कहीं पार्टी से नाराजगी है और नाराजगी खुलकर आपने सामने दिखा दी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और अब वक्त हो चला है ग्राउंड जीरो का। ग्राउंड जीरो में बात करेंगे बलरामपुर में थाने में युवक की मौत के बाद लगातार बवाल जारी है। कल लोगों ने थाने पर पथराव और तोड़फोड़ किया था, आज भी लोगों का हंगामा जारी रहा। आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर लाठियां चलाई तो पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया है। उसके बाद बात रायसेन की करेंगे, रायसेन के गांव की, जहां पर पानी की किल्लत की वजह से युवाओं की शादी नहीं हो रही। लोग इस गांव में अपनी बेटियों की शादी नहीं करना चाहते हैं। धन्यवाद। और अब महतारी वंदन योजना से लाभान्वित हमारी दो हितग्राही बहनें माननीय राष्ट्रपति महोदया से अपना अनुभव साझा करेंगी। हम सबसे पहले आमंत्रित करते हैं बस्तर की श्रीमती ममता कश्यप जी को। माननीय महोदय को मेरा जय जुहार। हम आमंत्रित करते हैं मंच पर ममता कश्यप जी, आप आए जी। मैम, ये बहुत ही सुमधुर क्षण है, माननीय राष्ट्रपति महोदया जी के निर्देश पर इन्हें मंच पर आमंत्रित करके अपना अनुभव साझा करने के लिए कहा जा रहा है। सहृदयता का एक उत्कृष्ट उदाहरण, ममता कश्यप जी मंच की ओर अग्रसर हो रही हैं और चर्चा करेंगी माननीय राष्ट्रपति। साथ ही सत्यवती ध्रुव जो अभनपुर से हैं वो भी आ जाएं। माननीय महोदय का कार्यक्रम जय जुआर। मेरा नाम मोर नाम ममता कश्यप है। मोर बकांड मैं गांव बकांड है, ब्लॉक बस्तर है। मैं वहीं तने रहवा बीती है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बलरामपुर का जिक्र करते हैं। थाने में गुरुचंद मंडल नाम के युवक की मौत के बाद बवाल लगातार जारी है। कल नाराज ग्रामीणों ने थाने पर पथराव किया था, तोड़फोड़ की थी, आज परिजनों ने जिला चिकित्सालय के सामने ही हंगामा कर दिया। आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम किया, लोगों ने एसपी पर लाठी भी चलाई, जिसके बाद पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया। मृतक के परिवार
जो है परिवारजन हैं, परिजन हैं, नौकरी और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। समाज के लोगों ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कल थाने में गुरुचंद मंडल नाम के युवक की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि गुरुचंद मंडल ने थाने में खुदकुशी कर ली थी। गुरुचंद मंडल की पत्नी कई दिनों से लापता थी। ये बताया जा रहा है कि पुलिस इसी मामले में पूछताछ के लिए गुरुचंद मंडल को थाने लेकर गई थी। घटना के बाद थाना प्रभारी और आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है। 4 तस्वीरें आपके सामने, थाने में मौत, उसके बाद बवाल, हंगामा आप देख रहे हैं। मेरी बहन का सर 4 साल लगभग शादी को हो गया था, लेकिन अभी जब पिछला रक्षाबंधन में आई थी उस समय मेरी माँ और मेरी छोटी बहन को बताई थी रीना गिरी कि वो ना 4 साल से प्रताड़ित हो रही है। और सर ये पिछले साल मतलब ये बताया गया, मतलब पिछले साल तो यहाँ मतलब प्रताड़ित होने के कारण ना कीटनाशक भी पी दी थी, फिर उसका मैं अंबिकापुर में ट्रीटमेंट करवाया था, तो मतलब इतना ज़्यादा प्रताड़ित हो रहा। और बलरामपुर में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत के मामले में नया मोड़ आ चुका है। मृतक पर उसके साले ने गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित ने अपने जीजा पर बहन को बेचने और किडनैप करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने मृतक के माता पिता पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। मृतक की दूसरी पत्नी रीना मंडल के लापता होने के बारे में पूछताछ चल रही थी। युवक का पहली पत्नी से भी तलाक नहीं हुआ था, दोनों में काफी समय से विवाद चल रहा था। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं सूरज गुप्ता। सूरज, मामले में नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई चीजें सामने आ रही हैं, जो लड़की के परिवार वाले हैं वो भी कई तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आखिर जांच पड़ताल में अब तक क्या क्या सामने आ पाया है? काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है लगातार। कल रात में जो घटनाएं घटी है उसके बाद लोगों ने थाने में पथराव किया है, साथी वाहनों में तोड़फोड़ की है। आज सुबह जब उसे पीएम के लिए शव को जिला चिकित्सालय ले जाया गया था, वहां परिजनों ने भी काफी हंगामा किया है। उन्होंने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को रखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो मृतक के परिजन है उन्हें सरकारी नौकरी दी जाए, मुआवजा दिया जाए। वही इसमें जो गुरुचरण मंडल के हत्या में शामिल जैसा उन्होंने आरोप लगाया है कि उसकी हत्या की गई, अगर उसमें जो शामिल पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसे प्रमुख 5 मांगों को लेकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। वहीं आज पीएम होने के बाद पुलिस की निगरानी में शव को उसके गांव लाया गया, अंतिम संस्कार किया जाना है, लेकिन यहां भी गर्मा गर्मी की स्थिति निर्मित है। कहीं ना कहीं जो समाज के लोग, जानकारी को साझा करने के लिए इस वक्त सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां पर द्रौपदी मुर्मू पहुंची हुई हैं। क्या करते हो सेल्फ हेल्प ग्रुप में? क्या अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, और मैं रसोईया भी हूँ, जो बच्चे लोगों का खाना बना जाती, मात्र 2000 मिलता है, 50 रुपया के लिए ड्यूटी करते हैं हम लोग। कोई बात नहीं जी, जी कोई बात नहीं, काम करते रहिए। 2000 हमारा मंथली मिलता है हमारा रसोईया का, और जो सरकार की तरफ से मिलता है उसके लिए बहुत धन्यवाद, हम महीना 3000 कमाते हैं। चलिए आगे बढ़ो, बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाओ लिखाओ और अफसर बनाओ, है ना जी, जी। बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो समाज आगे बढ़ेगा जी, है ना जी। ठीक है, धन्यवाद। इसी बीच अभनपुर से सत्यवती ध्रुव आप आइए। कोई भी मोबाइल रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, ध्यान रखें इस बात का। माननीय महोदया जी, सादर जय जोहार, जय बड़ादेव, सेवा सेवा। मोर नाम सत्यवती ध्रुव है, मोर गांव का नाम बेंद्री है। महतारी बंधन योजना के पैसा अभी मोला पिछले 8 महीना से 8000 रुपया मिल चुके हैं, और महतारी बंधन पैसा से आज मैं आर्थिक रूप से सक्षम बनत हूँ। सक्षम एकर सेती बनत हूँ काबर की पहली मैं अपन पति ऊपर निर्भर रहत रही हूँ। मोर पति अगर खर्चा बर, मोर स्वयं के खर्चा बर अगर कुछ दे देते रही से ते ओकर से ही मैं कुछ खरीदत रही हूँ। पर आज मैं इतना सक्षम हूँ कि मैं मोर जो भी इच्छा होती मैं अपन मर्जी से पैसा को उपयोग ला कर सकती हूँ। साथ साथ में मोर एक बेटा एक बेटी है, तो एक बेटा बेटी है ते मैं बेटी के नाम से मैं सुकन्या खाता खुलवा हूँ। पहली तो मैं हर महीना खाता में ज़्यादा पैसा जमा नहीं कर पाते हूँ, 1-2 साल जमा कर पाते हूँ, पर अब मैं कम से कम 500 रुपया ला ओकर खाता में भी जमा कर दूँ। मोर बेटी बेटा पहली
छोटे छोटे सामान पर जैसे मम्मी ये ला खरीद के दे करके बोले तो मैं दे नहीं पा रही हूँ, काबर कि मैं दूसरा ऊपर निर्भर रही हूँ मोर पति ऊपर। पर आज मोला ऐसे लगते है पैसा मिले से कि आज मैं अपन लड़का मन पर भी अपन मर्जी से कुछ कर पावत हूँ। तो जब भी मोला कुछ छोटे मोटे चीज की जरूरत होते मैं ओला अपन मर्जी से ओकर मतलब अपन पति से बिना पूछे वो पैसा का उपयोग अपन लड़का मन के खुशी पर भी कर सकती हूँ। साथ साथ में मैं हाँ मोर पड़ोसी गाँव में जो एक अनाथ लड़का है ओकर मन के जो मदद है ओला भी एक दो बार करे हो, काबर कि ओहू मला ओकर माँ बाप तो नहीं है ना ओकर माल पैसा नहीं मिला थे, तब मोला ऐसे लगीस कि मोर तरफ से भी ओला कुछ सहयोग करना चाहिए, तो ओकर बार भी मैं करे हूँ। और एक से मोला बहुत खुशी मिलते काबर कि हर गरीब मल्ला माँ बाप नसीब नहीं हो, माँ बाप रहते तो हर माँ बाप तो रहते पर माँ बाप के प्यार नहीं मिल पाए। धन्यवाद। और अब सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। सबसे पहले क्रम पर हम आमंत्रित कर रहे हैं सरगुजा सुपरस्टार आदिवासी कर्मा नर्तक दल डांगबुढ़ा विकासखंड मैनपाट जिला सरगुजा को कर्मा नृत्य के लिए। सरगुजा संभाग के अंतर्गत निवासरत आदिवासियों का प्रसिद्ध लोक नृत्य कर्मा है, जो हर आदिवासी समूहों द्वारा किया जाता है। कर्मा नृत्य महिलाओं और पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। इसमें पारंपरिक वेशभूषा में धोती कुर्ता पगड़ी मयूर पंख साड़ी ब्लाउज के साथ ही पैर में महिलाएं घुंघरू का उपयोग करती हैं, पुरुष मांदर और झांझ बजाते हैं। कर्मा नृत्य लगभग हर खुशी के अवसर पर किया जाता है। तो मंच पर प्रस्तुत हो चुके हैं कर्मा नृत्य के कलाकार सुपरस्टार आदिवासी कर्मा नर्तक दल डांगगुड़ा विकासखंड मैनपाट जिला सरगुजा छत्तीसगढ़। गया है जिसमें आपने देखा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद बात करती हुई सभी से नज़र आई, सब बात करती नज़र आई। और अभी वहाँ का जो वेशभूषा है और वहाँ के जो नृत्य हैं वो किए जा रहे हैं। कार्यक्रम का आयोजन बड़े स्तर पर रखा गया है जिसमें राष्ट्रपति खुद पहुँची हैं। रायपुर से इस वक्त आप लाइव तस्वीर देख रहे हैं। तो दो दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंची है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और आज ही वो पहुंची हैं। इससे पहले आपने देखा था एम्स के द्वितीय दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंची थी और अब जो है महतारी वंदन योजना की 9वीं किस्त जो जारी हुई है उस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंची हैं। उन्होंने संवाद भी किया और साथ ही साथ राज्यपाल सीएम भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। अभी पारंपरिक जो नृत्य है वहां का वो हो रहा है, वहां की वेशभूषा में जो अलग अलग नृत्य होते हैं वो किए जा रहे हैं। और
आज ही वो पहुंची है रायपुर, से पहले पहुंच चुकी हैं और अब ये कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया इसमें शिरकत करने के लिए पहुंची हैं और संवाद भी उनके द्वारा सभी से किया गया। रायपुर में बेहद खास कार्यक्रम रखा गया जहाँ पर महतारी वंदन योजना का ये कार्यक्रम है जिसमें संवाद करती हुई भी वो नजर आई। 9वीं किस्त दरअसल जारी हुई थी और वो जारी उनके द्वारा की गई, संवाद उनके द्वारा किया गया और अब पारंपरिक नृत्य जो वहाँ का होता है, गाना नाचना वो सब चल रहा है और द्रौपदी मुर्मू खुद भी इसका लुत्फ उठा रही हैं, देख रही हैं। इसी दौरान राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कई सारे नेता मंत्रीगण इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुँचे। दो दिवसीय दौरा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का और आज पहला दिन है अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए पहुंची। इससे पहले एम्स भी पहुंची थी, उसके बाद ही महतारी वंदन योजना का कार्यक्रम जिसको वो पहुंची है। 9वीं किस्त जारी हुई है, इसी दौरान उनके साथ राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कई सारे नेता मौजूद हैं। पारंपरिक गीत लोक नृत्य हो रहा है जिसका वो लुत्फ उठा रहे हैं।